नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर के आगे क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यूज हैं। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन है कि इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज, यानी फुल डुप्लेक्स में जो संचार होता है वो कैसे होता है। अगर मेरे आपके नेटवर्किंग के वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये बताया है, आपने देखे होंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक आई का बटन होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट में जाके नहीं, तो इसमें क्या रहता है, फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन किस मीडियम में होता है। तो फुल डुप्लेक्स की बात करें तो ये दो दिशीय वाई डायरेक्शनल होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों तरफ से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, दोनों तरफ से इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमेंट्स इन एमएस एक्सेल कैन बी एडिट बाय, तो जो कमेंट एडिट करते हैं वो कैसे एडिट करते हैं। तो ये जो करते हैं, पहले इंसर्ट से जाके नहीं कमेंट का ऐड करते हैं एमएस एक्सेल में, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर रीडेबल कोड कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ्स लेंथ इज कॉल्ड, यानी आपने वो देखा होगा कि इस तरह के जो कोड रहते हैं वो लाइन रहती हैं। ओके, एक पैकेट पे देखा होगा या बहुत सारे, तो उसे क्या बोलते हैं। ओके, वो क्या रहता है, तो वो रहता है बार कोड, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन ए व्यू इन एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल में जो आउटलाइन व्यू होता है वो क्या होता है। तो एमएस एक्सेल में जो भी रहता है ना, वो रहता है व्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड हेडिंग ए वेरियस लेवल, तो संचार का व्यू एक चित विभिन्न लेवल कर हेडिंग होता है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ए फाउंड इन फॉन्ट फ्लो प्रिपरेशन, तो जो आपने अगर किसी ने टैली पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि जो वर्क रहता है ना, वर्क कैपिटल रहती है, उसमें इसका निर्माण टैली में एक वर्क कैपिटल का फंड के लिए फ्लो करने के लिए निर्माण किया जाता है एक फंड का, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वर्क कैपिटल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए सेट ऑफ चॉइस टू एन यूजर, तो यूजर जो रहता है उसके विकल्प का एक समुच्च प्रदान करता है, तो कौन करता है, ये करता है लिस्ट। ओके, तो लिस्ट रहेगी ना, उसमें चॉइस करने का एक यूजर के लिए सेट प्रोवाइड होता है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्विपमेंट एड टू कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनली इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर में जो वृद्धि के लिए एक जो डिवाइस यूज करते हैं, आप बोल सकते हैं किस तरह का डिवाइस यूज करते हैं जिससे कि उसकी फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के हो जाए, तो वो रहता है पेरिफेरल डिवाइस, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ रोम दैट मेक इट इज यूजफुल इज, ओके, तो जो रोम रहती है उसका कैरेक्टर क्या रहता है कि उसे यूजफुल बनाती, तो ये रहता है ना एक नॉन वॉलेटाइल डेटा रहता है, जो डेटा में रोम जो रहती है वो नॉन वॉलेट रहती है, जिससे कि जो विद्युत अगर बंद भी हो जाती है ना इलेक्ट्रिक पावर के बिना भी ये रिमेंस देयर इवन ओके, शक्ति के बिना भी बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट द इंटर कॉलम इन एमएक्सएल, तो एमएक्सएल में जो हाईलाइट करने रहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या रहती है, तो उसकी रहती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो इससे आप जो एंटिटी रहती है उसको हाईलाइट कर सकते हैं एक्सेल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की कौन सी है जो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कंट्रोल प्लस भी रहती है वो प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल प्लस ए जो सेलेक्ट है ऑल डेटा जो सेलेक्ट हो जाता है, एक्स जो रहता है ना वो कट करने के लिए, भी जो रहता है ना वो पेस्ट करने के लिए। ओके, तो ये रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
व्हाट इज एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉल्ड। तो जो सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में जो एरर आ जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बग। ओके, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू ए रिक्वेस्टेड डेटा इज नॉन एज। डिवाइस की रिक्वेस्टेड डेटा एक सीधे जंप करने की विशेषता क्या कहलाती है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस, सिक्वेंशियली एक्सेस और क्विक एक्सेस। तो ये सब बोलते हैं, ये सब नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक सिक्वेंशियली एक्सेस रहता है वो सिक्वेंस से डिफाइन करता है, क्विक एक्सेस जल्दी करता है। ओके, जबकि रैंडम की बात करें तो रैंडम एक्सेस जो रहता है ना वो कहीं पे भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, डायरेक्टली जंप कर सकता है किसी भी डिवाइस पे, एबिलिटी टू डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि स्लॉट इज ए हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल फॉर अटैचिंग वीडियो कार्ड टू कंप्यूटर मदर बोर्ड। यानी कंप्यूटर के मदर बोर्ड्स में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल होता है। तो ये क्या रहता है, तो ये जो रहता है ना वो रहता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोस्ट। तो आप अगर इसको, ये रहता है फर्स्ट ऑप्शन, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ओके, और आज का हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क। तो इसमें से कौन सा टाइप नेटवर्क का नहीं है, लैन, वैन, जैन, सैन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का बेल आइकन दिया होगा उस पर क्लिक कर लें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।